नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्वाति। फटाफट नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। राजनीतिक विज्ञापन मापने में आपको डीआई का नोटिस। 10 दिन में 164 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 2015-16 के दौरान सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापन के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का दिया था निर्देश, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया 164 करोड़। पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। 6000 से बढ़ेगी मदद। आगामी बजट में काफी उम्मीद। सिर्फ आम जनता या वेतन भोगी व्यक्ति नहीं बल्कि किसान समुदाय भी मोदी सरकार की कुछ बड़ी घोषणाओं का कर रहा है इंतजार। कार कंपनी से नाराज शख्स ने एक्सयूवी को बना दिया कूड़ादान। शोरूम के सामने किया गुस्सा जाहिर। नई कार खरीदने के कुछ दिन बाद ही हुई खराब। 10 दिन तक सर्विस सेंटर का लगाता रहा कार मालिक चक्कर। नहीं हुई समस्या दूर तो निकाला तरीका और पूरी कार में चिपका दिया स्टिकर। कार पर लगे एक पोस्टर पर लिखा है कि इस कूड़ेदान की कीमत 15 लाख है और यह अंबानी अडानी के पास भी नहीं है। जंगल काटकर बना दिया आलीशान रिसोर्ट। बिना वन भूमि डिनोटिफाई किए हो रहा है बिजनेस। भोपाल संभाग के रायसेन सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले एक मंडलों का हॉल विभाग के पास नहीं है कोई रिकॉर्ड। महिला यात्री को हुई सांस में तकलीफ तो रात 1 बजे सिलेंडर लेकर स्टेशन पहुंच गए लोग। कानपुर से काटपाड़ी की यात्रा कर रही महिला प्राप्ति गौर की सांसें फूलने पर परिजनों ने भोपाल में मांगी थी मदद। मुफ्त में उपलब्ध कराया गया सिलेंडर तो यात्री के परिजनों ने भोपाल वासियों के प्रति जताया आभार। राजधानी भोपाल में बिजली घर के एक रिटायर क्लर्क की हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा। निर्मम हत्या में पुलिस के हाथ लगा बड़ा सुराग। अकेले में घर मिलने आती थी महिला। तलाश में जुटी पुलिस। सेवानिवृत्त लिपिक सतीश मोहितकर की पिपलानी के बेलनगर स्थित घर में हुई थी हत्या। गर्लफ्रेंड के भूत से डरकर प्रेमी ने कबूला। जुर्म में पहुंचा सलाखों के पीछे। छत्तीसगढ़ के कोरबा की रहने वाली अंजू यादव की उसी के प्रेमी गोपाल खड़िया ने की थी हत्या और 20 फीट गड्ढा खोदकर जंगल में दफनाया था। गिरफ्तार युवक ने बताया प्रेमिका का भूत उसे कर रहा है परेशान। जुलाई 2022 में रामपुर पुलिस चौकी में दर्ज हुई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में बीबीए के छात्र ने नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या का किया प्रयास। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। बीबीए के छात्र के आत्महत्या के प्रयास का वीडियो आया सामने। मृतक नीतीश कुमार बिहार के भागलपुर का है रहने वाला। हवाई अड्डे पर पेशाब मामला हुआ गर्म। जोहर को जमानत और शंकर का विरोध। कपिल मिश्रा ने पूछा एक तरह के अपराध में अलग सजा क्यों। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने खड़े किए सवाल। श्री मिश्रा ने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ भेदभाव का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली में जमीनी रंजिश में दो पक्षों के बीच गैंगवार। दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस फायरिंग में 3 लोगों की मौत। दोनों पक्ष की फायरिंग में एक पक्ष से 2 लोगों की मौत, दूसरे पक्ष से एक की गई जान, एक हुआ घायल। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती जिसकी हालत बनी हुई है नाजुक। 20 से अधिक राउंड फायरिंग होने की जानकारी। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में हुई वारदात। स्कूल के लिए 11 एकड़ जमीन लेकर खोल दिया मार्केट। नारदरा ब्रिज से तैयब अली पेट्रोल पंप के बीच नगर निगम स्कूल संचालक की करतूत। परिसर में मार्केट बनाकर व्यवसायिक गतिविधियां कर रहा है संचालित शासकीय अनुदान क्रिश्चियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक रमाकांत मिश्रा ने निगम अध्यक्ष के नाम की शिकायत और लगाए उक्त आरोप। कनवरीगंज इलाके में कई मकानों में पड़ी दरार को लेकर नगर निगम के अफसरों ने कवायद शुरू की है। कनवरीगंज इलाके में नाला बंद होने से मकानों में दरार आने का सिलसिला जारी है। हालांकि नगर निगम अब नाले की सफाई कराकर जल निकासी की व्यवस्था सुचारू कराने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। पंजाब में यात्रा के दौरान राहुल गांधी पगड़ी पहने नजर आए। पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया विवादित बयान। 11 जनवरी को राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 15वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल फागू चौहान की मौजूदगी में आरएसएस और इसके नागपुर शाखा से जुड़े लोगों को समाज में नफरत फैलाने वाला बता दिया। जिले के सोहसराय थाना इलाके में किसान सिनेमा के पास गुरुवार की सुबह पुल के नीचे एक नवजात बच्चे का मिला सब सबरुई में लपेट कर फेंका गया, जिसे कूड़ा बिनने वाले एक व्यक्ति ने देखा और आसपास के लोगों को दी सूचना। आसपास के लोग हुए एकत्रित। रीवा जिले में पीली कोठी के पास बास्केटबॉल के मैदान में दिए गए कर्ज के पैसे मांगने पर महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि मैंने महिला को 5000 रुपए कर्ज के रूप में दिया था, अब कई दिनों से पैसे की मांग कर रहे हैं मगर पैसे लौटाने में महिला कर रही आनाकानी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में कंप्रेसर फटा। ब्लड बैंक में कंप्रेसर फटने से मचा हड़कंप। धमाके से ब्लड बैंक में फूटे कांच। हादसे में मौजूद 3 लोगों के घायल होने की सूचना।
जातिगत गणना मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तेजस्वी यादव ने कहा ये जाति आधारित सर्वे है, भारत सरकार जनगणना करा सकती है बल्कि राज्य सरकार नहीं करा सकती है। जाति आधारित सर्वे से बहुत लाभ होना है, इसमें लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होगी उसकी भी गणना होगी। लोगों की स्थिति क्या है इसके लिए ये बहुत जरूरी। 500 में बेच दी गई मानसिक रूप से कमजोर युवती नहीं बता पा रही जागती की कहानी। एक आरोपी गिरफ्तार, पटना के कदमकुआं पुलिस ने राजेंद्र नगर से अपहृत लड़की को किशनगंज से किया बरामद। देह व्यापार में धकेलने का प्रयास। आरोपी शाहजहां अहमद उर्फ जावेद उर्फ राहुल रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनीचक मोहल्ले का है रहने वाला। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हादसे की बड़ी खबर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा, ट्रक और कार की टक्कर से 3 लोगों की हुई मौत। टक्कर के बाद कार में लगी आग मृतक बताए जाते हैं दोस्त। हरियाणा में दिल दहलाने वाला हुआ हादसा, सिलेंडर फटने से पूरे परिवार की मौत। पति पत्नी और 4 बच्चे जिंदा जले। पानीपत तहसील कैंप इलाके के राधा फैक्ट्री के पास हुई घटना। रात से ही लीक था गैस सिलेंडर, सुबह होते ही फटने से हुआ धमाका। देह व्यापार की सूचना पर रेस्टोरेंट में छापेमारी, जुआ खेल रहे 20 लोग गिरफ्तार, युवक युवती भी धराएं। वाराणसी जिले के भट्टी गांव स्थित रेस्टोरेंट में मिली थी जिसमें फरोसी के धंधे की सूचना। 2 पुलिसकर्मी सादे बेस में पहुंचे थे रेस्टोरेंट, जिसके बाद हुई कार्यवाही। भोपाल के जम्बूरी मैदान में 4 दिन से चल रहा करनी सेना का आंदोलन हुआ खत्म। 21 सूत्री मांगों में से 18 मांगों पर सरकार के साथ बनी सहमति। मंत्री ने खत्म कराया करनी सेना का आंदोलन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट खोलने के दिए आदेश। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन में मनमानी नियुक्तियों की लेकर IAS अधिकारी नेहा मारवेया द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर सरकार ने पिछले 6 महीने से नहीं की थी कोई भी कार्यवाही। बिहार शिक्षा मंत्री के विवादित बोल पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा बयान बता रहा है वहां क्या है माहौल। ASI अपहरण मामले पर बोले कोई नहीं हुआ किडनैप। बिहार राज्य के मंत्री के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोला हमला बोला, कहा पहली बार किसी शिक्षा मंत्री ने तोड़ने का किया है काम। शिक्षा मंत्री ने धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक चौपाई की गलत की है व्याख्या, जो नहीं है ठीक। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी खाद्य तेल तिलहनों की कीमतों में हुई गिरावट। सप्लाई के कारण सोयाबीन निगम तेल के दाम पूर्व स्तर पर रहे बने, आम जनता के लिए है बड़ी खुशखबरी। जबलपुर पुलिस अधीक्षक शहर गोपाल खांडेल के मार्गदर्शन में बेलबाग पुलिस को मिली सफलता। अवैध मादक पदार्थ, शराब की तस्करी तथा नशीले इंजेक्शन के कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हुई कार्यवाही। 300 नशीले इंजेक्शन के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी जयंत राय। तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। नमस्कार।